हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्बाइनो ब्लैक आइस के ऊपर। अल्बाइनो ब्लैक आइस एक ऐसा लव बर्ड है जो कि मार्केट से बिल्कुल शार्ट हो चुका है, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। उसके रीजंस आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जहाँ पर भी मिल रहा है ना, वो अल्बाइनो रेड आइस का स्प्लिट बोल कर दिया जा रहा है। अल्बाइनो ब्लैक आइस प्योर कहीं से भी नहीं मिल रहा, मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे भी नहीं मिल रहा। हर कोई यही बोल रहा है कि ये रेड आई का स्प्लिट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आपको तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके से क्यों हो रहा है, अल्बाइनो रेड आइस का स्प्लिट बोलकर अल्बाइनो ब्लैक आइस क्यों बेचा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि अल्बाइनो ब्लैक आइस ख़त्म हो चुका है और जितने भी अल्बाइनो ब्लैक आइस मौजूद हैं वो रेड आई के स्प्लिट हैं। इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दूंगा कि अल्बाइनो ब्लैक आइस, अगर अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है तो उसकी पहचान किस तरीके से होगी। आपको इस चीज़ की पहचान करने का इतना कमाल का तरीका बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप आराम से पहचान लेंगे कि जो आपका अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड है वो अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है या नहीं। क्या कोई झूठ बोलकर तो आपको सेल नहीं कर रहा। और तीसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दूंगा कि पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई किसे कहते हैं, यानी जो अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड है, अगर हम उसको कहें कि पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, एक तो होता है कन्फर्म स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई जो कि अल्बाइनो ब्लैक आई है। ठीक हो गया, वो कन्फर्म स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई है। लेकिन एक होता है पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई, जो अल्बाइनो ब्लैक आई है ना, वो कन्फर्म स्प्लिट नहीं होता अल्बाइनो रेड आई का। ऐसा किस सूरत में होता है, तो ये तीनों बातें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, शाजो पेट्स चैनल पर आई हुई वीडियो हो और उसमें इन्फॉर्मेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की, कि जो अल्बाइनो ब्लैक आइस को अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट बोलकर सेल कर रहे हैं, क्या वो वाकई स्प्लिट होता है या ऐसे ही सब झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि सब झूठ बोल रहे हैं। उसके रीज़न ये है कि अगर कोई अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट बोलकर अल्बाइनो ब्लैक आई को सेल करेगा तो उसे अपने अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड की अच्छी कीमत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर नॉर्मल अल्बाइनो ब्लैक आइज जो कि स्प्लिट नहीं होता, अगर वो 6000 रुपये का पीस मार्केट में चल रहा है, तो अगर वो अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट बोल के सेल करेगा तो उसको आराम से उस पीस के 8000 रुपये मिल जाएंगे, यानी 2000 रुपये उसे इजाफी मिल जाएंगे, यानी उसका फ़ायदा हो गया। इसीलिए तो वो झूठ बोल रहा है आपसे और आप यकीन कर लेते हैं। लेकिन वो आपको पहचान भी बताता है कि ये वाकई अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है। वो पहचान क्या होती है, वो ये होती है कि वो उस अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड को अंधेरे में लेके जाएगा और उसकी आइस में टॉर्च मारेगा और आपको बोलेगा कि इसकी आइस के अंदर जो है वो रेड कलर का डॉट बनेगा टॉर्च मारने से। तो ये पहचान है कि ये अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर नॉर्मल अल्बाइनो ब्लैक आई को भी अंधेरे में लेके जाके टॉर्च उसकी आइस में मारेंगे तो उसकी आइस में भी रेड कलर का डॉट बनेगा, जबकि वो क्या है, नॉर्मल अल्बाइनो ब्लैक आई है, कोई स्प्लिट नहीं है वो। तो इसी तरीके से आप धोखे में आ जाते हैं और आप उसको कन्फर्म अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट समझते हैं, और जब आप उसको अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे अल्बाइनो रेड आइज आएंगे, क्योंकि एक अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है और दूसरी तरफ अल्बाइनो रेड आइज है। तो आप ये सोचते हैं कि कम से कम तीन बच्चे तो अल्बाइनो रेड आई आएंगे, और वाकई में आते भी हैं। लेकिन आपका जो बर्ड है वो तो स्प्लिट है ही नहीं, वो तो आपको उसने झूठ बोल के दिया है कि ये अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है। तो आपका एक बर्ड अल्बाइनो ब्लैक आई ही है कन्फर्म, और दूसरा अल्बाइनो रेड आई ही है। तो जब आप उसको आपस में लगाएंगे तो एक भी बच्चा अल्बाइनो रेड आई का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों तरफ अल्बाइनो रेड आई की जीन हो। अगर दोनों तरफ अल्बाइनो रेड आई की जीन होंगी, जभी जाके आपके पास अल्बाइनो रेड आई का बच्चा प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कुछ हासिल नहीं होता आपको। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि कन्फर्म स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई कौन सा बर्ड होता है। देखें, आपने एक तरफ लिया अल्बाइनो रेड आइस और दूसरी तरफ लिया अल्बाइनो ब्लैक आइस। इस पेयरिंग से जो आपके पास बच्चे आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, ब्लैक आइस बच्चे आएंगे, और वो कन्फर्म स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज होंगे, कन्फर्म होंगे वो। ठीक हो गया, यानी वो कन्फर्म बच्चे अल्बाइनो रेड आई के स्प्लिट हैं जो अल्बाइनो ब्लैक आई बच्चे आए हैं। अब उनको आप चाहे अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाएं तो भी आपके पास अल्बाइनो रेड आइज बच्चे प्रोड्यूस होंगे। आप चाहे उसको अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट के साथ लगाएं, यानी दोनों तरफ अल्बाइनो रेड आइज के स्प्लिट हैं, अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड हैं, उनको अगर आप आपस में लगाएंगे जब भी आपके पास रेड आई बच्चे लाजमी प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई बर्ड किसे कहते हैं। एक अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड है लेकिन वो पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आई है। तो इस टर्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक तरफ है अल्बाइनो रेड आइस और दूसरी तरफ है अल्बाइनो रेड आइस का स्प्लिट, यानी अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड, आपने ये पेयरिंग करी। अब इस पेयरिंग से आपके पास चार बच्चे आ रहे हैं, तीन बच्चे आपके पास अल्बाइनो रेड आइज आ रहे हैं और एक बच्चा आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आइज आ रहा है। इस तरीके की पेयरिंग से जो अल्बाइनो ब्लैक आइज बच्चा आया है ये पॉसिबल स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज कहलाएगा, मतलब कन्फर्म नहीं है। कैसे कन्फर्म होगा? ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ब्रीड से कन्फर्म होगा कि वाकई में स्प्लिट है या नहीं।
बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी अल्बाइनो ब्लैक आई बर्ड, अगर आपको कंफर्म करना है कि ये अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है या नहीं, तो आप उसको अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएं। अगर तो आपके पास एक भी बच्चा अल्बाइनो रेड आई आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अल्बाइनो ब्लैक आई है वो अल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट है। और अगर आपके पास एक भी बच्चा अल्बाइनो रेड आई नहीं आता, सारे के सारे बच्चे ब्लैक आई बर्ड आते हैं, और दूसरे ब्रीड में भी इसी तरीके से आपके पास होता है कि आपने अपने अल्बाइनो ब्लैक आई को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाया और आपके पास सारे के सारे बच्चे बस अल्बाइनो ब्लैक आई ही आ रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि जो आपका अल्बाइनो ब्लैक आई है वो रेड आई का स्प्लिट नहीं है, वो प्योर अल्बाइनो ब्लैक आई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।